हेलो एवरीवन, मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मिनिमम मैक्सिमम हाइट और विड्थ की। तो गाइस, थोड़ा सा पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि मिनिमम मैक्सिमम हाइट विड्थ क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है। तो जैसे नाम से पता चल रहा है, मिन हाइट मैक्स हाइट, तो मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट ये आप डिसाइड कर सकते हो। किसी ब्लॉक के लिए आप डिसाइड कर सकते हो कि मिनिमम कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए, मैक्सिमम कम से कम ज्यादा से ज्यादा इतनी हाइट होनी चाहिए। तो कम से कम हाइट और ज्यादा से ज्यादा हाइट आप डिसाइड कर सकते हो। उसी तरीके से आप कम से कम विड्थ और ज्यादा से ज्यादा विड्थ डिसाइड कर सकते हो। तो मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम और मैक्सिमम हाइट कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस, एक फाइल बनाऊंगा मैं और उस फाइल में आपको समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ न्यू फाइल और इस फाइल के अंदर हम लोग समझेंगे। यही वाली फाइल है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ और इस फाइल को यहाँ से मैं जो कोड लिखा हुआ है पहले से इसको हटा देता हूँ और इसी को हम लोग यूज कर लेंगे। ये हो गया मेरा HTML का टैग, हो जाएगा यहाँ। तो HTML डॉक्यूमेंट रेडी है और स्टाइल टैग, इससे क्या करेंगे हम लोग CSS मेंशन करेंगे क्योंकि CSS की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो आप, और एक div और div की क्लास main। अब इसके अंदर हम लोग main में समझेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका बैकग्राउंड रख दूंगा येलो। तो येलो बैकग्राउंड से क्या होगा कि आपको टेक्स्ट इसके अंदर जो लिखा होगा उसके पीछे दिखेगा कि कितना बैकग्राउंड आया। और सिंपली कोई भी विड्थ या हाइट दिए बिना मैं इसको ब्राउजर पे रन करता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि ब्राउजर पे रन होता है जब ये, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आता है। ये आपके पास आउटपुट है। तो गाइस, ये आपका आउटपुट आ रहा है। अब इस आउटपुट के अंदर हम लोगों को समझना है कि मिनिमम मैक्सिमम हाइट कैसे काम करेगा। सबसे पहले हाइट की बात करेंगे हम लोग। तो हाइट के केस में मैं पहले यहाँ पर दे देता हूँ मिनिमम हाइट। तो इधर से मिन और हाइट, मिनिमम हाइट हम प्रोनाउंस करते हैं, प्रॉपर्टी का नाम मिन हाइट है। और मिन हाइट में मैंने सपोज दे दिया 400 पिक्सल्स। इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया, मिनिमम कम से कम कितनी हाइट होनी चाहिए, 400 पिक्सल की होनी चाहिए। आप देख रहे हो पूरा 400 का ब्लॉक इसने ले लिया। अब उसके अंदर चाहे कंटेंट हो चाहे ना हो, हाइट तो ये मिनिमम इतनी लेगा ही लेगा। अगर कंटेंट बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग हाइट ले लेगा। मैं थोड़ी सी हाइट छोटी कर देता हूँ और फिर कंटेंट बढ़ाता हूँ। तो कंटेंट यहाँ से हम लोग बढ़ाना शुरू करेंगे। तो मैं कुछ इतना कंटेंट बढ़ाने के लिए ट्राई करूंगा कि उस हाइट पे चला जाए, और हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देंगे ताकि कंटेंट वहां तक जा सके। तो आप देख रहे हो हाइट बढ़ चुकी है। हाइट कैसे बढ़ चुकी है मैं आपको वापस बताता हूँ। ये हाइट है, मिनिमम हाइट यहाँ तक ले ही रहा था, बट अगर मैं फॉन्ट साइज बड़ी कर देता हूँ तो ये और बड़ी हाइट लेगा। क्योंकि मैंने तो इसको क्या बोला है, मिनिमम इतना लेना, मैक्सिमम तो मैंने कुछ नहीं बताया, कम से कम बताया। ज्यादा तो आप कितना भी ले सकते हो। अब मैं इसको बताता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कितना लेना। तो यहाँ पर लिखते हैं मैक्स हाइट, और मैक्स हाइट में मैं इसको बोल दूँ कि 400 पिक्सल से ज्यादा कुछ नहीं लेना। अब आप देखना डिफरेंस समझ में आएगा आपको कि 200 और 400 पिक्सल से ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा। कम से कम 200, ज्यादा से ज्यादा 400, कौन हाइट। देख रहे हो आप, येलो कलर पीछे रह गया और बाकी का कंटेंट कहाँ पर आ गया, ओवरफ्लो हो गया। अगर आपको ये दिखाना है तो आप यहाँ पर यूज कर लो ओवरफ्लो स्क्रॉल। तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ चला जाएगा और अब आपके पास स्क्रॉल आ जाएगा। अब सपोज कभी कंटेंट कम हो जाता है, कभी कंटेंट कम हो जाता है, यानी मैं इसको 10 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो फॉन्ट साइज कम होते कंटेंट कम हो जाएगा, तो बॉक्स की साइज भी वापस कम हो गई। आप देख रहे हो, वापस दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। ये था पहले से, हमने यहाँ पर लगाया 10 और अब रिफ्रेश करूंगा तो बॉक्स की साइज भी कम होगी, लेकिन कम से कम कितनी जाएगी, 200 पिक्सल, उससे कम नहीं जाएगी। तो ये तो बात हो गई बॉक्स की हाइट की। अब वापस इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल्स, और अब बात करते हैं विड्थ की। तो अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ मिनिमम विड्थ। मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए ये बताता हूँ मैं। मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 500 पिक्सल्स की। अब कंटेंट उससे ज्यादा जा रहा है तो ये अपने आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है। 500 पिक्सल से ज्यादा जा रहा है तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। बट अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, रिस्ट्रिक्ट क्या कर दूँ कि कम से कम 300 और ज्यादा से ज्यादा मैक्स हाई विड्थ जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, 500 पिक्सल्स की होनी चाहिए। तो मैंने इसको रेंज दे दी कि इतने से इतने में होनी चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा नहीं बनना है आपको। तो ये क्या करेगा, अब 500 पिक्सल में एडजस्ट हो जाएगा, अब उससे बड़ा नहीं जाएगा। आप देख रहे हो स्क्रॉल आ गया। कंटेंट अगर छोटा भी होगा, सपोज कंटेंट को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो भी उस विड्थ से बड़ा नहीं बनेगा। जो भी होगा वो सारा रैप अप हो जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा, बट इस विड्थ से बड़ा कभी नहीं जाएगा। किस विड्थ से, 500 से बड़ा। सपोज यहाँ 600 होता तब आप देखोगे 600 से बड़ा ये बिल्कुल नहीं जाएगा, और कम से कम कितना, 300। तो मैं कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, और अब आपको दिखेगा कि जब कंटेंट कम हो तब ये कैसे वर्क करता है। तो इसका यहाँ से ये कर देता हूँ कमेंट, और अब आप देखना कंटेंट कमेंट हो चुका है। जब रिफ्रेश होगा तब ये क्या करेगा, यहाँ से चेक करेगा कि मिनिमम हाइट कितनी लेनी है, 200, मिनिमम विड्थ कितनी लेनी है, 300। तो 300 बाय 200 का एक बॉक्स बन जाएगा, चाहे उसमें कंटेंट हो ना हो। तो गाइज, ये सारी चीजें तब मोस्टली यूज की जाती है जब आप चाहते हो कि कोई कंटेंट यहाँ पर आएगा, वो कितना होगा आपको नहीं पता है।
बट आप चाहते हो कि जितना भी कंटेंट हो वो इस पर्टिकुलर बॉक्स में ही आए, इतने से बॉक्स में ही आए, बॉक्स की साइज नहीं बढ़नी चाहिए, ताकि उसके पास वाले कोई कंटेंट की या उसके पास वाले डिव की, किसी बॉक्स की नीचे वाले डिव की ऊपर वाले डिव की अलाइनमेंट बिगड़े ना, वो डिजाइन ना बिगड़े, ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है ये इतना ही रहे, कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना। अगर कंटेंट आता है तो हमने ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा रखा है, आपको कंटेंट पढ़ना है तो स्क्रॉल कर लो, बट हाइट इससे ज्यादा या विड्थ इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम या इससे विड्थ कम या हाइट कम नहीं हो सकती। गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह हाइट और विड्थ मिनिमम और मैक्सिमम वर्क करते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।